अब बात करेंगे, क्या एलियन हरे रंग के होते हैं? एलियंस क्या भूरे रंग के होते हैं? क्या एलियन काले रंग के होते हैं? इंद्रधनुष के किस रंग के होते हैं एलियंस? दूसरी दुनिया के इस अजीबोगरीब जीव के रंग को देखकर को लेकर ये खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। क्या एलियंस हरे रंग के होते हैं? क्या एलियंस पीले रंग के होते हैं? क्या एलियंस बैंगनी रंग के होते हैं? इंद्रधनुष के किस रंग के होते हैं एलियंस? अक्सर फिल्मों में एलियंस को हरे रंग के अजीबोगरीब जीव की तरह दिखाया जाता है, लेकिन एलियंस कैसे दिखते हैं और उनका रंग क्या है, इसकी सटीक जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। इसे लेकर पूरी दुनिया में काफी लंबे समय से बहस चल रही है। वैज्ञानिक धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर भी काफी लंबे समय से जीवन की खोज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एलियंस को देखने और उनसे मिलने का दावा भी किया है। एलियंस के रंग रूप को लेकर लोग अलग अलग दावा करते हैं, लेकिन इसके सही रंग को लेकर किसी के पास पक्का सबूत नहीं है, लिहाजा इसे लेकर लोगों में कौतूहल बना हुआ है। अब एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि एलियंस का रंग हरा नहीं होता है। एलियंस के रंग पर चौंकाने वाला खुलासा। अब सवाल उठता है कि अगर एलियंस का रंग हरा नहीं होता है तो फिर वो किस कलर का होता है? इंद्रधनुष के किस रंग का होता है एलियंस? इसे समझने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। वैज्ञानिकों ने पौधों के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने की कोशिश की है। इसके तहत उन्होंने पौधों को इंफ्रारेड रेडिएशन में डाला तो उनका रंग बदल गया। आमतौर पर फोटोट्रॉफिक एनॉक्सीजेनिक बैक्टीरिया और फोटोहेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इस तरह काम करते हैं, जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो अपना रंग बदल लेते हैं। एलियंस के सही रंग को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उन जगहों की स्टडी की जहां पर सूरज की रोशनी पड़ने से रंग बदल जाता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक और हाई रिजोल्यूशन वाले टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। स्टडी में पाया गया कि किस तरह की परिस्थितियों में बैंगनी रंग के बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बैक्टीरिया किसी भी ग्रह पर रह सकते हैं। दरअसल बैंगनी रंग छोड़ने वाले बैक्टीरिया कम ऊर्जा वाले लाल इंफ्रारेड रोशनी से फोटोसिंथेसिस पूरी करते हैं। इससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि प्राचीन धरती आज की तुलना में ज्यादा बैंगनी थी। एक स्टडी के मुताबिक सूरज की रोशनी में ज्यादातर नीले और हरे रंग का स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन धरती पर हरे रंग के क्लोरोफिल से पहले रेटिनल नाम का लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल आया। रेटिनल हरा रंग सोखता है और लाल और वायलेट रंग रिफ्लेक्ट करता है। इंसानी आंखें इसे पर्पल यानी बैंगनी रंग में देखती हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि धरती पर कई ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां पर बैक्टीरिया बैंगनी रंग में ही दिखते हों। इसलिए एलियंस को लेकर अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जब एलियन कभी ऑक्सीजन विहीन ग्रह से धरती पर आएंगे तो हो सकता है कि वो हमें बैंगनी रंग में ही दिखाई दें। रिपोर्ट इंडिया न्यूज़।